शुक्रवार को गोरखपुर में भाजपा के जागरूक मतदाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की मजबूत कानून व्यवस्था के बारे में बताते हुए विपक्षी दलों पर जोरदार हमला बोला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारे एक हाथ में अस्त्र है और एक हाथ में शास्त्र है। यहाँ अगर विकास होगा तो बुलडोजर भी चलाना चाहिए, क्योंकि दोनों को आप एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते हैं। विकास सज्जनों के लिए है, जबकि बुलडोजर दुर्जनों के लिए है। दोनों जब साथ में चलेंगे तभी प्रदेश आगे बढ़ेगा। पहले छोटी छोटी बात को लेकर पश्चिम में दंगा होता था, हमारी सरकार के दौरान कोई दंगा नहीं हुआ। हमने दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई की। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले प्रदेश में सैफई महोत्सव होता था, जिसमें ना राग था, ना रंग था, ना भाव था, ना भाषा थी। यहाँ तक कि सैफई वालों को ही नहीं समझ में आता था कि वे क्या हो रहा है। उन्होंने बताया कि आज हम उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाते हैं, जिसमें प्रदेश के पारंपरिक उत्पादों का एक जनपद एक उत्पाद योजना ODOP के तहत पहचान दिलाई जाती है। ODOP ने ही उत्तर प्रदेश को एक एक्सपोर्ट हब के रूप में स्थापित किया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि योजना के अंतर्गत 1,21,000 करोड़ रुपए की उत्पाद यहाँ से हम लोग हर वर्ष एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है और रोजगार के अवसर भी लगातार बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने कृष्ण जन्मोत्सव और रंगोत्सव मनाए, जिसके भाव को हर प्रदेशवासी ने महसूस किया। उन्होंने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि हमने महोत्सव को अपनी स्वयं की तुष्टि का माध्यम नहीं बनने दिया। अपनी सरकार और 5 साल पहले की समाजवादी पार्टी की सरकार में फर्क बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वो अपराधियों को संरक्षण देते थे, वही हम अपराधियों से ठीक तरह से निपटने का कार्य करते हैं। वो जनता की योजनाओं में लूट खसोट करते थे, हम जनता को योजनाओं का लाभ दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो अपने परिवार के लिए जीते थे और हम समाज और प्रदेश के लिए जी रहे हैं। मुख्यमंत्री ने पिछली सरकार पर वार करते हुए कहा कि उनके समय में मात्र 18,000 प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बनाए गए थे, वही हमारी सरकार ने केवल गोरखपुर शहर में 32,000 घर बनाए हैं। पूरे प्रदेश में हमारी सरकार द्वारा 45 लाख से अधिक घर बनवाए गए हैं। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि पहले गोरखपुर आपराधिक गतिविधियों के लिए जाना जाता था। एंसेफलाइटिस जैसी बीमारी ने गोरखपुर को घेर रखा था, आज एंसेफलाइटिस खत्म हो चुका है। जो काम 50 वर्ष में नहीं हो पाया, हमने 5 वर्षों में कर दिया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में स्वामी विवेकानंद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, अरविंद घोष जैसे महापुरुषों का नाम लेकर कहा कि इन महापुरुषों ने अपने आप को एक संकीर्ण दायरे में कैद करके नहीं रखा था, इसलिए वे अमर हो गए, वंदनीय हो गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि शास्त्री जी ने अपने काम से अपने लघु कार्यकाल को स्मरणीय बना दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिसने भी राम का नाम लिया, चाहे वो हनुमान हो या वाल्मीकि, यशस्वी हो गए। जिसने भी रावण का साथ पाया, चाहे मारिच हो या ताड़का, वो सबको दुर्गति मिली। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि आज से 5 साल पहले प्रदेश की स्थिति क्या थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मां के कान से कुंडल निकाल लिए जाते थे, जिसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं होती थी। गले से जंजीर खींच ली जाती थी और रिपोर्ट दर्ज नहीं होती थी। यहां तक कि घर के सामने से ट्रैक्टर गायब हो जाते थे, बेटियां सुरक्षित नहीं थी। उन्होंने कहा कि ये मैं दावा कर सकता हूँ कि 5 साल के अंदर फावड़ा भी कोई खेत से नहीं चोरी किया है। भैंस तो दूर की बात है। उन्होंने उत्तर प्रदेश में 5 साल की बेहतर कानून व्यवस्था के बारे में बताते हुए जागरूक मतदाताओं को भाजपा को अपना समर्थन देने के लिए कहा। इस अवसर पर भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, उपाध्यक्ष सत्येंद्र सिन्हा, राजेश कुमार श्रीवास्तव, अमरेंद्र सिन्हा, चंदन श्रीवास्तव, हिमांशु श्रीवास्तव सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कार्यक्रम के संयोजक राजीव सिन्हा तथा निवर्तमान महानगर अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव ने कहा, के केंद्र कर्मयोगी ऐसे पूज महा
हम लोगों का आग्रह है कि वो कृपया मंच पे आके अपना स्थान ग्रहण कर। हम सभी के आस्था के केंद्र पूज्य महंत योगेश जी महाराज जी से श्रीवास्तव जी अब मैं आग्रह करना चाहूंगा ऐसे हमारे मंचासीन सभी अतिथिगण आज के इस कार्यक्रम के नमेश सिंह जी क्षेत्रीय अध्यक्ष जी कृपया आगे आने कष्ट करें। हम सभी कार्यकर्ताओं का उद्गार है, सभी इच्छा है कृपया आगे आवे। अरे भाई पीछे तो मोबाइल वाले। इस कार्यक्रम के लिए आपने जी तोड़ मेहनत की, हम लोगों को प्रेरणा दी। भास्कर जी यहाँ उपस्थित है, उनका स्वागत। आदरणीय वैद्य राजू सिन्हा जी कृपया आवे और माननीय मुख्य अतिथि जी सहित मंचासी सभी अतिथियों का स्वागत भाषण करने का कष्ट करें। आदरणीय वैद्य राजू सिन्हा जी चुनाव मैदान में आए की बात कर रहा हूं, इसमें जात कहां से आती है? यह तो सौभाग्य की बात है कि हमें परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी को चुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम तो सौभाग्यशाली हैं, हम अपने को धन्य मानते हैं। हमने आग्रह किया कि महाराज जी आइए, मैं अपने समाज के सामने आपका स्वागत करना चाहता हूं। दिलों में जो अपराधी हम लोगों के दिलों में रहते थे वो अब डर से दिलों में है। पहले राज्य की दुर्दशा क्या थी? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मां के कुंडलों से, मां के कान से कुंडल निकाल लिए जाते थे और रिपोर्ट दर्ज नहीं होता। जंजीर खींच लिया जाता था, रिपोर्ट दर्ज नहीं होता था। खेत से ट्रैक्टर उठा लिए जाते थे और घर के सामने संस्कार भी उठा लिए जाते थे और मेरठ के अंदर 5 मिनट में कट जाता था, रिपोर्ट दर्ज नहीं होता था। बेटियां सुरक्षित नहीं थी। मित्रों मैं गारंटी से कह सकता हूं कि 5 साल के अंदर फावड़ा भी एक खेत से कोई चोरी नहीं किया है, भैंस तो दूर है। पांच साल पहले बूढ़े बुजुर्ग घर के बाहर घर के अंदर खेत पर बैठ जाते थे, कल पंखा डोलाते थे। थका हारा किसान जब घर में पहुंचता था तो बीवी का शकल भी नहीं देख पाता था और 8 रोटी के बजाय 2 रोटी खाता था। आदरणीय योगी जी के आने के बाद 24 घंटा लाइट देते हैं। अब थका हारा किसान व्यापारी जब घर पहुंचता है रात में तो बिजली के लाइट के जब रोशनी रहती है तो बीवी की शक्ल देखकर 2 रोटी के बजाय 10 रोटी खा लेता। कल्पना कर सकते हैं मित्रों, जिसके आराध्य 26 साल तक केंद्र में रहा हो, दुनिया ऐसी कोई हो सकती है क्या? तूफान में ठंड में सर्दी में जिसके आराध्य देव रामलला 26 सालों तक टिक गए। किसके कारण? ये सोनिया के कारण जिसने हलफनामा पेश किया था हिंदू के खिलाफ, राष्ट्र के खिलाफ, बाबरी मस्जिद के पक्ष में सपा बसपा ने गोलियां चलाई। आदरणीय एक चाय बचने वाला देश का प्रधानमंत्री बना और एक सन्यासी राज्य का मुख्यमंत्री बना, तब जाके प्रभु श्री राम की नींव रखी गई। तो कोई कल्पना कर सकता है मित्रों? बस आपके चरणों में प्रदेश अध्यक्ष के नाते वंदन करता हूं। मैं बहुत नजदीक से देखा हूं महाराज, बहुत संतों को भी देखा। महाराज जी का पूरा जीवन गांव गरीब किसान के सम्मान के लिए है, बेटियों के सम्मान के लिए है और ये राज्य का एक नौजवान दुनिया और राज्य के देश के किसी कोने में जाए
महाराष्ट्र में जाए तब भी इस राज्य की प्रशंसा हो। पहले लोग होटल नहीं देते थे, अब तुरंत होटल खोल कर देते हैं कि आप उत्तर प्रदेश से आए हैं। ये सम्मान किसी ने बढ़ाया है? बस आपसे निवेदन कर रहा हूँ, आपके चरणों में वंदन कर रहा हूँ। जिस मोहल्ले में रहते हैं, जिस बूथ पर रहते हैं, छोटी छोटी बातों में लोग नाराज होते हैं। देखो संचालन कर रहा था, मेरा नाम नहीं लिया, जान बूझ कर छोड़ दिया, मेरे मोहल्ले में आया, यहीं से मिलकर चला गया यार, मेरे घर भी नहीं आया। ये चुनाव जातिवाद का नहीं है, क्षेत्रवाद का नहीं है, व्यक्तिवाद का नहीं, परिवारवाद का नहीं, वंशवाद का नहीं। चुनाव मित्रों, ये चुनाव राष्ट्रवाद के है, प्रदेश की प्रगति के लिए, मजबूती के लिए। आपका एक मतदान बेटी को सुरक्षा प्रदान करता है, और एक आपका मतदान, हम लोग चाइना में गए थे मित्रों 2004 में, मैं सपने में सोचा था कि ऐसी सड़कें बनेगी क्या। आज राज्य के अंदर गोरखपुर आइए तो कभी कभी तो भूल जाते हैं रास्ता, हम लोग पहले आए थे तो क्या था, आज क्या है, ऐसा विकास हुआ है, किसने किया है, कारण योगी ने किया है। मैं आपका भारी हूं कि आप सबने 110 पूर्त भाव के साथ अपने स्वयं के जवाबदेही मानते हुए उत्तर प्रदेश के विकास, समृद्धि और खुशहाली के लिए आज एक कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया है। वैसे भी जो बात यहाँ पर राहुल जी ने, वैद्य राजीव सिन्हा जी ने, प्रोफेसर आरसी श्रीवास्तव जी ने अपने उद्बोधन में बताया कि देश के हित में जो काम करेगा, देश और धर्म के हितों का जो संवर्धन करेगा, हम उसके साथ में हैं। और ये कोई नई बात नहीं है, याद करिए, मैं जब अतीत की ओर देखता हूं, तुम्हारे सामने नाम आता है एक सन्यासी का, स्वामी विवेकानंद का, जिन्होंने वैश्विक मंच पर जाकर के उद्घोष किया था उस कालखंड में जब देश गुलाम था, और उस समय अपनी हिंदू पहचान छुपाने की एक लोगों के मन में एक होती थी कि हम किसी प्रकार से अपने को इस पहचान से दूर रखें, लेकिन उन्होंने उद्घोष किया था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। हम सब भोले नहीं होंगे, इस देश की आजादी के लिए अपना एक अच्छा प्रशासनिक कैरियर छोड़ करके अपने को दांव पर लगाने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने कहा था तो मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अरविंद घोष को कौन विस्मृत कर सकता है, देश की स्वाधीनता के आंदोलन को हो या भारत के आध्यात्मिक जगत को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का। इन महापुरुषों ने कभी भी अपने को एक संकीर्ण दायरे में कैद करके नहीं रखा, इसलिए अमर हो गए, हरेक के लिए वंदनीय हो गए, प्रातस्मरणीय हो गए। मैं प्रयागराज में गया था 2019 में, प्रयागराज कुंभ के आयोजन का अवसर मुझे प्राप्त हुआ था। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि योगी जी कुंभ ऐसा होना चाहिए जो यूनिक हो, भव्य और दिव्य हो, तो मैं वहां एक चीज को स्वयं देखने के लिए निकला। जब प्रयाग के किले में मैं गया तो मुझे बताया गया कि यहां पे एक प्रेसिडेंशियल सूट है। मैंने कहा क्या है इसमें, और मैंने कहा किले में, ये तो पुराने समय का किला है, कहां से राष्ट्रपति के लिए कैसे व्यवस्था है। मैंने कहा आपको मालूम है
कुंभ के साथ साथ हर वर्ष माघ मेले में कल्पवास के लिए यहाँ पर पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी आया करते। अब सोचिए, देश के संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में उनके योगदान को, और संविधान सभा के अध्यक्ष के बाद जब भारत के राष्ट्रपति बने, होता है व्यक्ति जब एक स्टेज पे पहुंचता है तो उसके बाद वह अपनों से थोड़ा दूर हटने का प्रयास करता है, अपनी पहचान को फिर वही छुपाने का प्रयास करता है। और उस समय एक प्रकरण आया था जिसमें सरकार चाहती थी कि राष्ट्रपति वहां न जाए, और अर्थात सोमनाथ मंदिर के पुनरुद्धार के कार्यक्रम को लेकर। उस समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी नहीं चाहते थे कि राष्ट्रपति वहां जाए, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के सामने जब एक सरकार का प्रस्ताव पहुंचा, उन्होंने कहा कैसे हो सकता है, सोमनाथ का मंदिर हजारों वर्षों से हिंदुओं की आस्था का केंद्र बिंदु है, इसलिए मैं न जाऊं कि वो हिंदुओं का है, मैं भारत का राष्ट्रपति हूं, भारत की आस्था का सम्मान करना मेरा दायित्व बनता है, मैं इस कार्यक्रम में जरूर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी उस कार्यक्रम में गए थे, इस देश के अंदर लोग मानते थे प्रधानमंत्री के रूप में अपना छोटा ही कार्यकाल था, एक स्मरणीय बना दिया था शास्त्री जी ने। याद करिए, एक तरफ पाकिस्तान का हमला, 1962 में भारत और चीन के युद्ध के बाद पाकिस्तान उस अवसर की तलाश में था कि भारत को कमजोर करके हम भारत को कैसे परास्त करें, उसने हमला किया। लेकिन शास्त्री जी के नेतृत्व में देश तब तक खड़ा हो चुका था, पाकिस्तान को बुरी सिक्कत देने के साथ ही जब अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया तो उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा भी दिया। याद करिए, शास्त्री जी कब चले गए, लेकिन नारा अमर हो गया, शास्त्री जी की तरह अमर हो गया। और इसीलिए जब उत्तर प्रदेश के अंदर यह बात आई कि हम लोग पहला अपना लॉ यूनिवर्सिटी में बनानी है, प्रयागराज में राष्ट्रपति जी आए थे आज से 6 महीने पहले, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी आए थे, मुझे प्रोटोकॉल के नाते भी वहां रहना था, और राज्य सरकार ने वहां पे एक लॉ यूनिवर्सिटी भी दी थी, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। तो मैंने वहां पर एक ही प्रस्ताव दिया, मैंने कहा कि लॉ यूनिवर्सिटी के लिए जितना पैसा लगेगा, जमीन लगेगी, सब राज्य सरकार देगी, इसका नामकरण डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के नाम। क्योंकि इन महापुरुषों ने अपने लिए नहीं जिया, उनका जीवन देश के लिए था, समाज के लिए था। देश जब इस देश की आजादी, इस देश के लोकतंत्र को बंधक बनाया जा रहा था, तब बिहार के गांव से निकले थे जयप्रकाश जी। जयप्रकाश नारायण ने उस समय देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, तानाशाही को समाप्त करने के लिए, पूरे देश के अंदर लोकतांत्रिक तरीके से जिस प्रकार के आंदोलन आगे बढ़े, इस देश का लोकतंत्र बचवाया था। जिन महापुरुषों का नाम मैंने आपके सामने दिया, क्या इसमें से किसी व्यक्ति ने अपने परिवार के बारे में कुछ किया? जो कुछ भी किया देश के लिए किया, आने वाली पीढ़ी के भविष्य के लिए किया, इस राष्ट्र के लिए किया, संबोधन बना रहे हैं, और उसी का परिणाम है कि इन महापुरुषों का नाम देश में हमेशा के लिए अमर हो गया। किसी व्यक्ति, किसी पार्टी, किसी सरकार के नाम लेने देने से नहीं, जनमानस के
श्वास श्वास में नाम बसते हैं, हर व्यक्ति श्रद्धा और सम्मान के साथ इन नामों को लेकर के आगे बढ़ता है। और हमेशा हमें जब भी हम अच्छा नाम लेकर के चलेंगे तुम्हारी परंपरा यशस्वी होगी। जब भी हम बुरा लेकर के चलेंगे तो दुर्गति प्राप्त करेंगे। आपने देखा होगा रामायण के उसमें भी इस प्रकार की चीजें आती है, जो राम का नाम लेकर के चलता है ये महत्व नहीं कि कहां जन्म लिया है, और चाहे वो हनुमान हो या वाल्मीकि हो यशस्वी हो गए। लेकिन इसने भी रावण का सानिध्य प्राप्त किया और भले ही कहीं पैदा हुआ हो वो मारीच जैसा व्यक्ति रहा हो या ताड़का और सुरपंखा रही हो, उनको दुर्गति ही प्राप्त करनी पड़ती है। इसलिए हमेशा हम अच्छी दिशा में आगे बढ़े हैं। एक सकारात्मक पहल जो बात यहां पर हुई है, उत्तर प्रदेश आप सभी प्रबुद्ध हैं, जागरूक हैं, आबादी के हिसाब से उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य है, और सबसे बड़ी आबादी के इस राज्य में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था छठी अर्थव्यवस्था मानी जाती थी। आज उत्तर प्रदेश पिछले 5 वर्ष के दौरान हम लोगों ने जो प्रयास किए हैं, इस 5 वर्ष की इस यात्रा में भले ही हमारे 2 साल केवल कोरोना महामारी से जूझते हुए व्यतीत हुए, लेकिन तब भी हम उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को आज 6 नंबर से लेकर के आज 2 नंबर पर लेके आ गए देश के अंदर। और सबसे अच्छी अर्थव्यवस्था के रूप में उत्तर प्रदेश आगे बढ़ा है। कोरोना प्रबंधन देश के अंदर सबसे बड़ी आबादी का राज्य होने के बावजूद सबसे अच्छा उत्तर प्रदेश का है, सबसे अधिक टेस्ट, सबसे ज्यादा वैक्सीन, सबसे ज्यादा लोगों को शासक की योजनाओं का लाभ पहुंचाने का कार्य उत्तर प्रदेश कर रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तेजी के साथ आज राज्य सरकार कार्य कर रही है और जो स्पीड है, डबल इंजन की सरकार है, प्रधानमंत्री जी का सानिध्य है, उनका सहयोग प्राप्त हो रहा है, उन स्थितियों में आज उत्तर प्रदेश ने जो यात्रा को प्रारंभ किया है यह अनवरत चलती रहे उसके लिए सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण। कोई मानता था जो ये माफिया जेल के अंदर सड़ रहे हैं, कोई मानता था ये कभी जेल जाएंगे? उनका पैदल साम्राज्य चलता था, सरकार कोई नहीं रही, उनके साम्राज्य पर कोई हाथ डालने की हिम्मत नहीं करता था, कोई नहीं डालता था। उन्होंने मुझे एक दिन एक सज्जन ने पूछा, उन्होंने कहा कि साहब सरकार का काम विकास होना चाहिए। मैंने कहा देखो भाई आप समझे नहीं हो भारत को, हमारे यहाँ एक हाथ में शस्त्र है एक हाथ में शास्त्र है, अगर विकास चलेगा तो विकास के साथ साथ बुलडोजर भी चलना चाहिए, दोनों का एक दूसरे का संबंध है, दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते हैं। विकास सज्जनों के लिए है, बुलडोजर दुर्जनों के लिए, और दोनों जब एक साथ चलेंगे तो स्पीड और कई गुना ज्यादा दिखाई देगी। और आज वही है पश्चिम के अंदर, नहीं तो आप देखते हैं छोटी छोटी बात को लेकर दंगा होता था, फसाद होता था। मुझे यहाँ गोरखपुर की घटना याद है, एक बार यहाँ पे संजोग से कायस्थ परिवार में श्रीवास्तव जी यहाँ कंजर्वेटर फॉरेस्ट थे और एक मोहल्ले में रहते थे, और जिस मोहल्ले में रहते थे तो उससे पहले एक दिन एक विवाद हुआ था 3-4 दिन पहले। हम लोगों ने बहुत उस समय बड़ा आंदोलन खड़ा किया था, तो मेरे पास आए थे मुझे सुबह सुबह बोलने के लिए, कहा था भाई इस चक्कर में क्यों पढ़ते हैं, सब लोगों को जीने तो कहे बेकार है सब पर। मैंने कहा हम कहाँ कर रहे हैं, तो उन्होंने किया था, हम लोगों ने उसका प्रतिकार किया, हमने कार्रवाई करवाई है, कार्रवाई करवा रहे हैं, मैं सांसद था जाकर। खैर मैंने उनकी बात सुनी तो ठीक, अगले दिन सुबह सुबह 3 बजे मंदिर में पूजा शुरू होने वाली थी, उनका फोन संजोग फोन में नहीं उठाया, उन्होंने कहा मैं पुराना व्यक्ति बोल रहा हूँ। मैंने कहा बताए क्या क्या, कहा हमारे घर में हमला हो रहा है। मैंने कहा हमला कहाँ, हाँ तो मैंने कहा कौन लोग हैं, मैंने कहा कोई गुंडे हैं अपराधी हैं क्या, कहाँ नहीं नहीं सब मुहर्रम का जुलूस निकल रहा है सब हमले कर रहे हैं।
तो मैंने कहा समझाते क्यों नहीं लोगों को? तो उन्होंने कहा कि यार ये समझने वाले लोग हैं क्या? तो मैंने कहा आप तो कल ही मुझे समझाने के लिए आए थे। उन्होंने कहा इस समय कुछ करवाइए पहले। खैर मैंने पुलिस को फोन किया, मैंने कहा देखो जाइए रोके इन लोगों को, और नहीं तो मुझे आना पड़ेगा। खैर पुलिस गई, भीड़ को किधर उधर किया, वो अगले दिन सुबह सुबह आए, कहा लो अब मैं भी आपके साथ जुड़ना चाहता हूं। हमारी एक स्थिति है, जब तक स्वयं पे बीतती नहीं तब तक हम पीड़ा नहीं देखते दूसरों की। और मैं पश्चिम के अंदर इसको बहुत नजदीक से देखता था, क्योंकि संजोग से गोरखपुर को, गोरखपुर एक समय तो सबसे अधिक अपराध का क्षेत्र माना जाता था, गोरखपुर से उभरा। ये मेरे बल अकेले बल पे नहीं था, गोरखपुर के नागरिकों का संभव था, उनका सपोर्ट था, तो मेरे साथ खड़े होते थे। हम लोग सत्ता में नहीं थे तब भी हम लोगों ने गोरखपुर को माफिया राज से मुक्त किया था, अपराध से मुक्त किया था, एक लंबी लड़ाई लड़ी थी, और उसका परिणाम था गोरखपुर के बारे में धारणा ही बदली, लोगों ने विकास की तरफ सोचना प्रारंभ किया। आज गोरखपुर में 4 विश्वविद्यालय गोरखपुर में बन गए, 4 विश्वविद्यालय में जिला गोरखपुर है, एम्स गोरखपुर में है, गोरखपुर की एयर कनेक्टिविटी आप देख रहे होंगे हर बड़े महानगर के लिए हो गई है, हर ओर से 4 लेन 6 लेन की कनेक्टिविटी गोरखपुर की सड़क मार्ग से भी हो चुकी है, पर्यटन की दृष्टि ढेर सारी संभावनाएं आगे बढ़ रही है। ये केवल विकास नहीं है, यहाँ के युवाओं के रोजगार का भी सृजन कर रहा है, अनेक नौजवान इस रोजगार के साथ जुड़ रहे हैं, और रोजगार से भी महत्वपूर्ण है उसके सामने जो पहचान का संकट था वह उससे उभर चुका है, अब वो कहीं जाएगा लोग एक बार तो उसके बारे में जरूर सोचेंगे, जो पहले लोग सोचते गोरखपुर, यानी ऐसा खोप लोगों के मन में होता था गोरखपुर के नाम पे कि उसको होटल में रुकने नहीं मिलता था, धर्मशाला में रुकने नहीं देते थे। लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि गोरखपुर के नाम पर आप कहीं जाएंगे लोग बड़े गर्व के साथ कहेंगे अच्छा गोरखपुर से, हाँ आइए जरूर बोलेंगे। उस छवि को हम लोगों ने बदला है, क्योंकि हमारी युवा पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी को अपने सामने कहीं भी अपनी पहचान को छुपाने की नौबत लाने का है, ये महत्वपूर्ण होता है, और उससे उभार करके उसको एक नई दिशा की ओर अग्रसर किया है। और ये चुनाव प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने, सेंट्रल यानी केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार ने, दोनों डबल इंजन की तरह काम किए, एक साथ मिलकर के काम किए। पहले क्या होता था, सिपाही महोत्सव होता था, उसमें न राग था न रंग था न भाव थी न भाषा थी, सिपाही वालों की समझ में नहीं आता था क्या हो रहा है। लेकिन आज हम उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस का कार्यक्रम करते हैं, स्थापना दिवस के कार्यक्रम में आज उत्तर प्रदेश की परंपरागत उत्पाद को पहचान दिलाई जाती है, वन एक जनपद एक उत्पाद की योजना। एक जनपद एक उत्पाद ने क्या अंतर महसूस किया, इसने उत्तर प्रदेश को एक एक्सपोर्ट के हब के रूप में स्थापित किया है, 1,21,000 करोड़ रुपए का हम यहां का प्रोडक्ट हर वर्ष यहां से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, राज्य की अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ता है, रोजगार पर इसका प्रभाव पड़ता है। आज हम यहां पर स्थापना दिवस के कार्यक्रम के साथ साथ अयोध्या के साथ कार्यक्रम करते हैं, तो हर वर्ष दीपोत्सव का कार्यक्रम अयोध्या के साथ जुड़ता है, दीपावली का कार्यक्रम अयोध्या के साथ जुड़ता है। कौन ऐसा भारतीय होगा जिसने अयोध्या की दीपावली के दिन जो अभिभूत न हुआ हो, जब मथुरा वृंदावन का रंगोत्सव मनाया जाता है, कौन ऐसा भारतीय होगा जो उसके साथ अपने भाव में जुड़ता हो, जब काशी का देव दीपावली आता है, हम लोगों ने उस महोत्सव को उसके साथ जोड़ा है, हमने महोत्सव को केवल अपने स्वयं की तुष्टि का माध्यम नहीं बनने दिया, प्रदेश को
हमारे जनपद को एक पहचान मिले उससे। फर्क यही है, वे अपराधियों को संरक्षण देते थे, हम अपराधियों से कायदे से निपटने का काम करते थे। जनता की योजनाओं में लूट खसोट करते थे, हम जनता को योजनाओं का लाभ दे रहे हैं। वे अपने परिवार के लिए जीते थे, हम समाज और प्रदेश के लिए जी रहे हैं। और इसी जीने में अंतर है, इसी कार्य पद्धति में अंतर है और इसी फर्क के साथ जनता के बीच में देना है। गोरखपुर महानगर के अंदर मैं आपको बताऊं 150,000 दूसरी तरफ है, सरकार नहीं, नाम वही, चेहरे बदले भैया, तंत्र वही, प्रदेश वही, और कार्य में कितना गुना अंतर आ गया। पहले बिजली नहीं मिलती थी, हम तो सड़कों पे आंदोलन और सपा बसपा की चलती ना, तो गोरखपुर का बीआरडी मेडिकल कॉलेज एक पहिया इस पे होता तो इसको निकाल करके भी लेके चले जाते, ये भी नहीं बसता, जर्जर था, बंद कब हो जाए। डॉक्टर आज यहाँ पे हमारे श्रीवास्तव जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, यानी कब बंद हो जाए। डॉक्टर डीके श्रीवास्तव उसके उदाहरण है, कब बंद हो जाए कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं था, कब बंद हो जाए, कब क्या हो जाए, कोई वो नहीं था। लेकिन आज यही बीआरडी मेडिकल कॉलेज कोरोना कालखंड में हजारों लोगों के जीवन को बचाया है, हजारों लोगों के जीवन को बचाया है। नया सुपरस्पेशलिटी ब्लॉक बन चुका है, इंसेफ्लाइटिस से मरने वाले 1.5 से 2 हजार बच्चों की जान को बचाया है हर वर्ष, आज मौत जीरो पे आ गया, इंसेफ्लाइटिस समाप्त, जो काम 50 वर्ष में नहीं हो पाया 5 वर्ष के अंदर कर दिया गया। ये परिवर्तन है, ये परिवर्तन है, ये सुरक्षा का, ये विकास का, गरीब कल्याण का, ये कार्य थमना नहीं चाहिए, स्पीड और अच्छे ढंग से आगे बढ़नी चाहिए। इस दिशा एक राष्ट्रीय सोच की सरकार इस प्रदेश के अंदर रहनी ही चाहिए, आगे बढ़नी ही चाहिए। यह हर एक जागरूक मतदाता का दायित्व बनता है और उस जागरूकता के अभियान के साथ जोड़ने के लिए आज आप सबने ये कार्यक्रम किया है। मैं आयोजकों को हृदय से धन्यवाद देता हूँ और खासतौर पर जो भी हमारे यहाँ पर मेरे ज्यादातर परिचित है, मैं उन सबका हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम को यहाँ पर आयोजित किया है। आयोजन मोहल्ले मोहल्ले, वार्ड वार्ड, अलग अलग क्षेत्रों में भी आयोजित करते हुए हम प्रत्येक व्यक्ति को इस अभियान के साथ जोड़े, क्योंकि जब जनता आगे होती है, समाज आगे होता है, सरकार पीछे होती है, तो वह सही नेतृत्व होता है, तब दिशा सही होती है, और स्वावलंबन का नेतृत्व होता है, स्वतस्फूर्त भाव के साथ चलने वाला नेतृत्व होता है। और मैं चाहता हूं कि चुनाव समाज आगे चले, पार्टियां पीछे उसको फॉलो करें, समाज आगे चले। बताएं ये मुद्दे थे, इन मुद्दों पर ये खड़े उतरे हैं, इसलिए हम इसको सपोर्ट कर रहे हैं। और आप देखना एकदम लोकतंत्र की भावना जीवंत होती हुई दिखाई देगी और उस जीवंतता के लिए आप सभी लोग लगेंगे इस विश्वास के साथ, प्राण प्रण से एक एक मोहल्ले में, एक एक वार्ड में जाकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। आप लोगों से मैं समय समय पर संवाद सुनाऊंगा। आप सबका मैं एक बार फिर से हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। धन्यवाद, जय हिंद, जय सिद्धार्थ। राहुल श्रीवास्तव, मैं निवर्तमान महानगर का अध्यक्ष हूँ भारतीय जनता पार्टी का। निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री पूज्य आदित्यनाथ जी महाराज, जहाँ पूरा उत्तर प्रदेश की जनता चाहती थी कि वो हमारे सीट पे चुनाव लड़ें, लेकिन यह सौभाग्य गोरखपुर महानगर में अपने सदर विधानसभा सीट की सम्मानित जनता को प्राप्त हुआ है। और जब से उनकी घोषणा हुई 15 तारीख यानी खिचड़ी के दिन से ही, तब से जनता के साथ साथ सभी कार्यकर्ता उत्साहित थे और उन्होंने स्वयं कहा कि आप निश्चित तौर पे ये तय माने कि हम लोग लग करके प्राण से लग करके उन्हें प्रचंड बहुमत से विजय दिलाएंगे। उसी निमित्त हम लोगों ने आग्रह किया था कि एक अपने इस कायस्थ समाज के साथ भी उनकी बैठक हो जाए, क्योंकि यहाँ पे जागरूकता मतदाता सम्मेलन के नाम से आज की यह सम्मेलन यहाँ पे आयोजित हुई और पूरे उत्साह के साथ आप देख सकते हैं कि लगभग
चार घंटे से यहाँ पे लोग बैठे हैं और एक कार्यक्रम समाप्त हो गया उसके बाद भी यहाँ पे लोग अभी भी डटे हैं। कितना उत्साह है लोगों में और ये तय माने कि यहाँ से लोग संकल्प लेकर के हम सभी यहाँ जा रहे हैं कि न भूतो न भविष्यति, निश्चित तौर पर इतना प्रचंड बहुमत पूज्य महाराज जी को हम सभी यहाँ दिलाएंगे कि उत्तर प्रदेश में एक रिकॉर्ड कायम करने का निश्चित तौर पर यह काम होगा। आज के अवसर पर ये हम सभी लोगों ने यहाँ पर यह तय किया है और ये सफल कार्यक्रम के लिए हम सभी यहाँ पर चित्रांत समिति के सभी भाइयों को सब बधाई देना चाहते हैं, उन्हें धन्यवाद देना चाहते हैं। वैद्य राजू सिन्हा, अध्यक्ष कायस्थ विकास परिषद। कार्यक्रम का उद्देश्य साफ है, कायस्थ समाज यह सम्मेलन इस उद्देश्य से कर रहा है कि हम धर्म के रक्षक, धर्मवाहक परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी को अपना सब कुछ मानते हैं, क्योंकि हमारा ये इतिहास रहा है। हम धर्माधिकारी भगवान चित्रगुप्त के वंशज हैं। धर्म जहाँ होगा वहाँ कायस्थ समाज रहेगा। कायस्थ समाज से ये अनुरोध हमने किया है कि धर्म और विकास करने वाले परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी को इतने बहुमत से हमें जिताना, जीत तो रहे हैं लेकिन हमें इतने अधिक मतों से ले जाना है कि एक रिकॉर्ड कायम हो, पूरे देश में इतिहास रचे।